अरे मेरे प्यारे फैमिली मेंबर्स, क्या कर रहे हो? जो भी काम कर रहे हो अभी छोड़ो और मेरी बात सुनो, यानी कि अपने फैमिली मेंबर फिल्मी यारा की बात सुनो। दोस्तों, सलमान खान की फिल्म ने, यानी कि टाइगर जिंदा है ने, 200 करोड़ के क्लब को पार कर दिया है। और ये एक ऐसी फिल्म है जो कि सलमान खान की 5वीं ऐसी फिल्म होगी दोस्तों जिसने कि 200 करोड़ के आंकड़े को छू लिया है, ध्वस्त कर दिया है। अब ऐसे में मैं आपको बताऊंगा कि सलमान खान की कौन कौन सी फिल्मों ने 200 करोड़ के आंकड़े को पार किया है। तो सबसे पहले बात करता हूं किक की। किक जो दोस्तों ये साजिद नाडियावाला ने फिल्म बनाई थी, इसमें सलमान खान के ऑपोजिट थी जैकी बेबी, यानी कि जैकलीन फर्नांडिस। दोनों की जोड़ी को पसंद किया गया था और फ्यूचर में किक 2 आ सकती है। फिर आती है बजरंगी भाईजान। बजरंगी भाईजान, बजरंगी भाईजान में सलमान के ऑपोजिट थी करीना कपूर खान, और इसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी बहुत अच्छे रोल में दिखे थे हमें, और एक छोटी सी प्यारी सी मुन्नी थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था कबीर खान ने। कबीर खान और सलमान खान का ये सेकेंड इंस्टॉलमेंट था आफ्टर एक था टाइगर। इस फिल्म ने भी 200 करोड़ के आंकड़े को छू दिया। फिर आती है प्रेम रतन धन पायो पायो, प्रेम रतन धन पायो। सूरज बड़जात्या की ये फिल्म थी दोस्तों, दिवाली पे रिलीज हुई थी। सलमान खान के अपोजिट हमें नीलनितिन मुकेश, स्वरा भास्कर और सोनम कपूर दिखी थी। इस फिल्म ने भी 200 करोड़ के झंडे को छू दिया था, फ्लैग कर दिया था। अब आती है सुल्तान। 2016 में रिलीज होती है सुल्तान, और सुल्तान के डायरेक्टर थे कौन? अली अब्बास जफर। और अली अब्बास जफर की इस फिल्म ने, सुल्तान ने 2016 में जो रिलीज होती है उसने भी 200 करोड़ के आंकड़े को छू दिया था। इस फिल्म में सलमान के ऑपोजिट हमें देखने को मिली थी प्यारी सी विरुष्का, यानी कि अनुष्का शर्मा कोहली। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 5वें नंबर पर आ गई है टाइगर जिंदा है, और इसे भी डायरेक्ट किया है अली अब्बास जफर ने। इसमें सलमान खान के ऑपोजिट हमें कैटरीना कैफ दिखाई दी थी दोस्तों। तो दोस्तों ये तो थी सलमान खान की 5 ऐसी फिल्में दोस्तों जिसने 1 2 3 4 5 जिसने क्रॉस कर दिया 200 करोड़ का ये लिमिट। आपको क्या लगता है आपकी कौन सी फिल्म है सबसे ज्यादा फेवरेट इन 5ों में से? नीचे कमेंट सेक्शन में अपने इस यारा को जरूर बताना यार, क्योंकि ये जो यारा है ये आपकी फैमिली का छोटा सा मेंबर है, तो उसकी बात माने और कमेंट करें। ओके।